पितृपक्ष हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। इस दौरान तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्मकांड किए जाते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 से 16 दिनों का होता है, जिसमें पितरों के सम्मान में तर्पण और श्राद्ध का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में पितर धरती पर आते हैं और उनके लिए किए गए श्राद्ध कर्मों से संतुष्ट होते हैं। यह अनुष्ठान प्रसन्न या असंतुष्ट पितरों की शांति के लिए किया जाता है। जिन लोगों को पितृ दोष होता है, वे पितृ पक्ष के दौरान इसके निवारण के उपाय कर सकते हैं। इस दौरान 16 तिथियों में प्रत्येक तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हर तिथि पर एक विशिष्ट पूर्वज के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तिथि अज्ञात होती है, उनके लिए अमावस्या का दिन श्राद्ध करने के लिए शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि 2024 में पितृपक्ष कब है और इसका महत्व क्या है। 2024 में श्राद्ध पक्ष की तिथियां। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा से हो रही है और 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन समाप्त होगी। श्राद्ध मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगी और 18 सितंबर को सुबह 8:04 समाप्त होगी। श्राद्ध के लिए कुतुब और रोहिण मुहूर्त को शुभ माना गया है। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:40 तक। रोहिण मुहूर्त दोपहर 12:40 से 1:29 तक। अपराह्न काल 1:29 से 3:56 तक। प्रमुख श्राद्ध तिथियां। 17 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध, 18 सितंबर प्रतिपदा श्राद्ध, 19 सितंबर द्वितीया श्राद्ध, 20 सितंबर तृतीया श्राद्ध, 21 सितंबर चतुर्थी श्राद्ध, 22 सितंबर पंचमी श्राद्ध, 23 सितंबर षष्ठी सप्तमी श्राद्ध, 24 सितंबर अष्टमी श्राद्ध, 25 सितंबर नवमी श्राद्ध, 26 सितंबर दशमी श्राद्ध, 27 सितंबर एकादशी श्राद्ध, 29 सितंबर द्वादशी श्राद्ध, 30 सितंबर त्रयोदशी श्राद्ध, 1 अक्टूबर चतुर्दशी श्राद्ध, 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या, पितृ पक्ष समाप्त। पितरों के प्रकार। शास्त्रों के अनुसार पितरों के लोक को चंद्रमा के ऊपर माना गया है। पितर 2 प्रकार के होते हैं, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर न्याय करते हैं, जबकि मनुष्य पितर हमारे पूर्वज होते हैं। अर्यमा को पितरों का मुखिया और यमराज को न्यायाधीश माना गया है। पितरों को भोजन कैसे मिलता है। पुराणों के अनुसार पितर गंध और स्वाद के तत्वों से प्रसन्न होते हैं। जब श्राद्धकर्ता जलते उपले पर गुड़, घी और अन्न अर्पित करते हैं तो उत्पन्न गंध से पितर भोजन ग्रहण करते हैं। पितरों को जल कैसे अर्पित करें। पितरों को जल देने की प्रक्रिया को तर्पण कहते हैं। इसके लिए कुश लेकर हाथ जोड़े और पितरों का ध्यान करते हुए ओम आगच्छन्तु में पितर एवं गृहन्तु जलांजलिम मंत्र का उच्चारण करें। अंगूठे से धीरे धीरे जल को जमीन पर चढ़ाएं। माना जाता है कि अंगूठे से जल अर्पित करने से ही पितर संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को याद करने और उनका आशीर्वाद पाने का एक विशेष अवसर है। इस दौरान किए गए कर्मकांडों से पितरों को शांति मिलती है और हमें भी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।